स्ट्रेच मार्क्स आ गए, सारी बॉडी फटी पड़ी है, शर्ट उतार के दिखा नहीं सकते किसी को। मैंने कहा जी मेरा फिटनेस से कोई लेने देने। क्या हुआ महेश बारी जी ट्रांसफॉर्मेशन का? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर एक इंसान इसको फॉलो कर सकता है। तो क्या सबसे पहला पॉइंट वो जिससे लोगों को सुनते ही लगे कि हाँ यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ? जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि कई जगह ऐसा ऑफर लगा होता है कि ये बड़ा पैक खरीदने पे छोटा पैक फ्री, ये खरीदने पे ये फ्री, देखा होगा ना ऐसा बहुत से ऑफर्स लगे होते हैं। ऐसे ही क्या अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की जर्नी पर चलो, वेट लॉस फैट लॉस करने की जर्नी पर चलो, तो यूथफुलनेस विगर वाइटैलिटी ब्यूटीफुल स्किन चेहरे पे ग्लो एनर्जी ये सब फ्री मिलती है? ये आज आपके साथ शेयर करेंगे डॉक्टर अमित माहेश्वरी जो आज मेरे साथ हैं। इज अ वेरी नाइस पर्सन, इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, और उससे भी ऊपर कि इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो मतलब उसकी कहानी मुझे लगता है कि हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए। और आप इतने ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे अमित माहेश्वरी को सुन के कि आपको लगेगा कि यार बस अभी वीडियो कैसे ख़त्म हो और यू नो हम भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को शुरू करें। तो इनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक इनकी फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूँगा जो कि किस एज की है? 38 की फोटोग्राफ्स कुछ देखिए आप, ये 38 की एज में है, और कुछ एक वीडियोस देखिए जी। तो 38 की एज में जो फोटोग्राफ आप अभी यहाँ देख रहे हैं उसमें जो कमर का साइज है उस टाइम इंची टेप भी लगा हुआ है साथ में, आप देख सकते हैं 46 इंची टेप पे लगा दिखा रहा है, पर दोबारा नापा तो 47 था, उसने थोड़ा खींच दिया था। तो 47 इंच कमर का साइज था पेट का, और 96 किलो मेरा वजन था। वहां से मैंने जर्नी शुरू की। और इस वजन की वजह से दिक्कत क्या क्या हो रही थी? और बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हो जाते हैं, गर्दन का पेन है, थोड़ी देर काम कर लिया डॉक्टर ने कहा सर्वाइकल हो जाएगा अगर इतना पेन रहा तो, काम कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं चल नहीं पा रहे, स्टेज पर 8 घंटे का हमारा फुल डे वर्कशॉप है, मतलब इंटरवल में 4 घंटे वर्कशॉप, फिर लंच ब्रेक, फिर वर्कशॉप, तो एनर्जी मर जाती है। अगले 7 दिन तक लेना है तो सोचो एनर्जी नहीं है, लेकिन पैसे लिए हुए हैं तो एनर्जी के साथ काम करना है। अंदरूनी ताकत नहीं है पर एक्सटर्नल पावर हमें शो करनी है। तो मुझे लगा यार मैं ज्यादा कर सकता हूँ लेकिन मैं कम कर पा रहा हूँ इस शरीर की वजह से। मतलब मन आत्मा और शरीर तीन चीजें हैं। तो इस तरह समझ लीजिए मन आत्मा शरीर का समन्वय ठीक नहीं होगा तो बिल्डिंग ठीक नहीं चलेगी। जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा पूरा लाइफस्टाइल बेकार जिया, घुटने खराब हो गए, अब बैठ के क्या कहते हैं अरे बेटा वैष्णो देवी जाने का तो हमारा मन है घुटने साथ नहीं दे रहे, कहते ना ऐसे करके, अरे हमारे तो घुटने साथ नहीं दे रहे। इसका मतलब मन जाने का है, आत्मा भी जाने के लिए है, पर जो शरीर है वो कह रहा हम तो नहीं चलेंगे, तुमने हमारा ध्यान रखा नहीं। अरे बेटा करारा अमरूद खाने का हमारा भी मन है लेकिन दांत साथ नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जिस समय उनको मेंटेन करना था मेंटेन नहीं किया। सो ट्रू। इसको दूसरे एग्जांपल से एक बताता हूँ मैं इसको जरूर सुनना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जो एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें। और अब जो आप स्क्रीन पर फोटोज देखो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो और फोटोग्राफ्स देखे उसमें एज थी 38, लेकिन बुरा मत मानना लेकिन बंदा लग रहा था 64, गलत तो नहीं कह रहा हूँ 64 आप कह सकते हैं। और अब जो आप फोटोग्राफ्स देखेंगे ये हैं 44 की एज की और वीडियोस भी, लेकिन आप देखोगे कि इसमें ये शख्स 24 से ज्यादा लग नहीं रहे हैं, मतलब ये अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन है। मुझे मतलब कहने का मतलब है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये इतना शानदार है कि इस पर ये मेटाफर पूरा पूरा सूट करता है। और आप एक बार ये फोटोग्राफ्स और ये वीडियोस देखिए। हर रात ख्वाबों में सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमां मेरे जो दिन में टूटा करते हैं। क्या बात है, कमाल है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है मैं चाहता हूं कि ये इसने न सिर्फ आपको एक हेल्दी बॉडी दी, लीन मसल दिया, मतलब इतनी अच्छी बॉडी दी और उसके साथ में परफेक्ट वेट दिया, वाइटैलिटी दी, यूथफुलनेस दी, चेहरे पे चमक दी, एनर्जी पूरी यू नो 24 वाली दी। तो मैं चाहता हूँ ये कुछ 3-4 स्टेप्स में आप सब लोगों के साथ शेयर करें जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर एक इंसान इसको फॉलो कर सकता है। तो क्या सबसे पहला पॉइंट वो जिससे लोगों को सुनते ही लगे कि हाँ यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ? देखो जाकिर खान का एक वीडियो आया था, कॉमेडियन जो है जाकिर खान, उसने कहा कि भाई किसी ने उससे पूछा जाकिर खान साहब आप जिम क्यों नहीं जाते, आप इतने मोटे हैं। कह रहे मैं तो एक ही कंडीशन में जिम जाऊँगा, नया साल होना चाहिए, 1 तारीख होनी चाहिए और सोमवार होना चाहिए, अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हो गई तो मैं जिम जाऊँगा। तो दोस्तों इस साल यही हुआ था, 1 जनवरी थी, नया साल था और सोमवार था। तो अगर आप तीनों चीजों का इंतजार कर रहे हैं ना, ऐसा कॉम्बिनेशन तो कई वर्षों बाद आने वाला है। तो आपका समय शुरू होता है अब, आज से जिम ज्वाइन करें और वर्कआउट करना शुरू करें।
प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी पर्सन जब जिम जाना शुरू करता है, वर्कआउट करता है ना, वो एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पर आ जाता है कि कल से चपाती नहीं खानी, कल से राइस नहीं लेने, तला हुआ नहीं खाना, है ना, एकदम झटके से छोले भटूरे नहीं खाने, मिठाई नहीं खानी, ये तरीका नहीं है। अच्छा, राइट तरीका क्या है, जब आप वर्कआउट भी करें, मान लीजिए कि जब फर्स्ट डे आप जिम जाते हैं तो क्या इतना वेट लिफ्ट कर लेते जो प्रोफेशनल लिफ्ट कर रहा है? मैं पहले दिन 5 किलो का डंबल उठा पा रहा था और आज मैं 35 किलो का डंबल लिफ्ट कर लेता हूँ बेंच प्रेस पर, तो सिंगल डंबल तो 35-35, 70 kg, अगर बेंच प्रेस लगाऊं तो 90 kg तक मैं जाता हूँ। तो पहले दिन तो 5 की प्लेट क्या खाली रॉड ही भारी पड़ रही थी। तो जब बॉडी वर्कआउट को अडेप्ट नहीं कर रही है एक दिन में, तो आप अपने आप डाइट को अडेप्ट कर रहे हैं। तरीका क्या है, आपको चपाती कम करनी है, आपको कार्ब्स कम करने हैं, आपको फैट परसेंटेज कम करना है। फ्रेमवर्क में पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप, आप जो लाइफस्टाइल अपनी डेवलप करना चाहते हैं ना, आप एक अच्छे डाइटिशियन से मिलें, उसको अपना गोल बताएं कि मुझे ये अचीव करना है। अच्छा। देखिए हर व्यक्ति के लिए ना डाइट शेड्यूल डिफरेंट है। आज यूट्यूब पर आप देखेंगे एक कॉमन डाइट दी हुई है, फैट लॉस की ये डाइट है, मसल गेन की ये डाइट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से डाइट प्लान बनवाएं डाइटिशियन से, ना मेरे कहने से डाइट लें, ना किसी व्यक्ति का कहने से लें। आपकी बॉडी जब प्रोफेशनल डाइटिशियन डाइट बनाएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग होगी। वर्कआउट जब भी करें तो एक ट्रेन ट्रेनर के अंतर्गत करें, उसकी ट्रेनिंग के ऑब्जर्वेशन में ही करें। तो राइट कोच आपके पास होगा, राइट डाइट आपके पास होगी, और उसको बताएं कि भाई मैं डाइट का जो कन्वर्जन करूंगा ना वो धीरे धीरे करूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ 21 डेज अगर आप लगातार डाइट चेंज करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसी आपकी हैबिट बन जाएगी, अगले 3 महीने में आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा। जैसा 3 महीने में लाइफस्टाइल होगा वैसी आपकी लाइफ हो जाएगी। तो यानी अगर हम इसको समराइज करें तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको अपनी डाइट को तो चेंज करना ही पड़ेगा। सर वर्कआउट 1 या 2 घंटे करते हैं, 22 घंटे का जो समय है ना वो बॉडी बनाता है, वर्कआउट तो बॉडी तोड़ता है। जिम में कभी बॉडी नहीं बनती, जिम में तो मसल टिश्यू ब्रेक होता है, वो रिपेयर और मेंटेन एंड ग्रो जब होता है जब आप डाइट लेते हैं, स्लीप लेते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं और हैप्पीनेस की ओर जाते हैं। यानी सबसे पहले हमको ये साइंस समझनी पड़ेगी कि हमको कितना प्रोटीन हमारी बॉडी को जरूरी है, जो हमको लेना है, हमको कितने कार्ब्स लेने हैं। और आज मतलब ज्यादातर लोगों को ये साइंस नहीं पता कि वाकई अगर हम ये कार्ब्स को, प्रोटीन को, फाइबर को, अगर हम इसको फैट को बैलेंस करेंगे तो ये सबसे पहला इंपैक्ट यहीं से पड़ेगा। फिर भी एक जर्नल प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ। बॉडी में जो मसल होता है ना, मसल को रिटेन रखने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, ग्रो करने के लिए ज्यादा चाहिए होता है। और एक व्यक्ति जब बुजुर्ग होता रहता है ना तो आप देखो उसका जो मसल है वो लटक जाता है, ऐसे ढीला हो जाता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बॉडी में से प्रोटीन धीरे धीरे कंज्यूम हो जाता है। तो जनरल फार्मूला ये है, एक व्यक्ति को फिट रहना है ना तो अपने बॉडी वेट का 1.2 × कर दे। अच्छा, सपोज मेरा बॉडी वेट 100 है तो 120 ग्राम मुझे प्रोटीन चाहिए, है ना। अगर फैट लॉस करना है तो, अगर फैट मेंटेन मतलब परसेंटेज मेंटेन रखना है मसल का और फैट लॉस जर्नी करनी है तो फैट के लिए फैट कंजम्पशन और जो आपका कार्ब्स कंजम्पशन है वो कम कर देना है। सिंपल कार्ब्स पर आना है, कॉम्प्लेक्स पर नहीं जाना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमको अपनी डाइट में बड़े सारे चेंजेस लेकर के आने हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है जो लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डाइट तो हम सबको समझ में आ जाता है, उसके बाद लोगों को सबसे ज्यादा आसान ये लगता है कि यार कुछ वर्कआउट एक्सरसाइज ना करनी पड़े। तो क्या ऐसा है कि बिना वर्कआउट के भी आप लूज कर सकते हो? बिल्कुल ऐसा भी है, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा हो जाए। देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं इस वीडियो में तो मजेदार बात नहीं आई, हमें तो वो सुनना था कि 5 मिनट में पतले कैसे हूँ, है ना। आप यूट्यूब पर अगर मान लीजिए आप खुद, इवन मैं भी, मैं एक दो थंबनेल देखता हूँ, एक पे लिखा हुआ है केवल 5 मिनट बिना कुछ एक्सरसाइज किए ये करें हो जाएंगे आप 28 इंच की कमर के, और एक में लिखा है 6 महीने वर्कआउट करें, ये वाली डाइट करें और उस पर कोई क्लिक ये मेंटेन करें, तो आप अगले 1 साल में हो जाएंगे फिट एंड फाइन। नो वन विल गो टू क्लिक ऑन दैट काइंड ऑफ वीडियो, सब कहेंगे 5 मिनट वाला देखना है। यही दुर्भाग्य है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो राइट तरीका यह है कि डाइट मेंटेन करने के लिए डाइटिशियन पर जाएं और राइट कोच को लगाएं। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे सिर्फ डाइट करेंगे तो भी लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाएगा, पर वो 6 महीने का समय 1 साल होगा, 1 साल की लेवल है तो 2 साल होगा। अगर आपके पास लग्जरी के साथ साथ इजीनेस के साथ आप करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो उसका एक क्या प्रोसेस होना चाहिए? सबसे सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन ऐसे है, मान लीजिए आपको अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपए रखने हैं मिनिमम बैलेंस, आप हर महीने 400-500 रुपए डाल देते हैं लेकिन निकाल उसमें से 1000 रुपए लेते हैं, तो धीरे 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 आपका बैलेंस है वो कम होता जाएगा। 200 डालते हैं 200 ही निकालते हैं, बैलेंस वही रहेगा।
1000 डालते हैं 300 निकालते हैं तो बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, 2700 2100 ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही बात कैलोरीज की है, आपकी बॉडी की कंजम्पशन कितनी है कैलोरीज की। जनरली लेडीज की बात करूं तो 1500 से 1800, जेंट्स की बात करूं तो 2000 से 2500। तो कैलोरी काउंट हो गया आपका। अब उसमें कितनी कैलोरी डालनी है और कैलोरी किस क्वालिटी की है। सपोज एक आपने पेस्ट्री ली, एमपीटी कैलोरीज है, एमपीटी कैलोरीज है, वो आपका फैट बढ़ाएगी। लेकिन आपने एक अच्छा डाइट फूड लिया, फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल लिए, कैलोरी उसमें भी है, न्यूट्रिशन भी मिला, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, तो वो डालेंगे तो आपको डिफरेंट टेस्ट मिलने वाला है। तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, जंक फूड अवॉइड करना है एटलीस्ट जब तक 3 महीने ना हो जाए, धीरे धीरे करके अवॉइड करना है। एक झटके से कहें ना, जो रोज पिज्जा खाते हैं कि कल से पिज्जा नहीं खाना, है ना, तो मेरे ख्याल से बॉडी भी अडॉप्ट नहीं करेगी उसको, बॉडी भी अडॉप्ट नहीं करेगी। एज इट इज आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक को आपको इग्नोर करना है। कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ और ले सकते हैं, धीरे धीरे आप सोडा वाटर ले सकते हैं, उसमें लेमन डाल सकते हैं, उसमें हनी डाल सकते हैं, उससे आपका एक क्रेविंग खत्म हो जाएगी, यार सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मैं नहीं पी रहा, है ना। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कोल्ड ड्रिंक, आपको लगेगा अच्छा ये यार, हमारा एक इंस्टीट्यूट है हरियाणा में, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया कि सर एक बार यहाँ विजिट करो सेंटर। हमने सेंटर विजिट किया, उन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखी, बोले सर कोल्ड ड्रिंक लो। ऐसे हरियाणा के लोग थे। मैं कहा जी हम तो लेते हैं, आप भी लो। कह रहे हम तो नहीं पीते ये। हमने कहा क्यों? कह रहे लैट्रिन साफ करते हैं हमारे, इससे गटर साफ करते हैं, ऐसी गड़बे उसमें, सीधा ऐसे बोल दिया कि संडास में डाल देते हैं जी, वो साफ हो जाता है, ये हम पेट में क्यों डालेंगे। तो मैंने भी गिलास वहीं छोड़ दिया, मैं जी मैं भी हमारे क्यों डाल रहा है। तो आपका लाइफस्टाइल ही आपकी लाइफ को डिफाइन करे। अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे, अच्छी क्वालिटी फूड लेंगे, चीजें लेंगे, वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए बॉडी। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं, मान लीजिए वो 75 हार्ड चला था तो का 4 लीटर पानी पीना है। हर एक के लिए 4 लीटर एप्लीकेबल नहीं है। एक व्यक्ति जो फुल टाइम ऑफिस में बैठता है उसको 2 से 3 लीटर पानी चाहिए। एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहता है उसको 1 ही लीटर पानी चाहिए। एक व्यक्ति जो मजदूर है उसको 5 लीटर भी कम पड़ता है, निकाल देता है ना। जो धूप में काम कर रहा है उसको और ज्यादा चाहिए। तो आपकी बॉडी के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है उसको समझो, और आपका जो डाइटिशियन होगा वो आपको ठीक से गाइड करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और क्या इसमें जो फैट लॉस की जर्नी पे लोग चलते हैं, क्या इसमें स्लीप का भी कुछ रोल है? हाँ, देखिए बॉडी 3 तरह से काम करती है। सबसे पहले बॉडी जिम के अंदर टूटती है, मसल टिश्यू टूटते हैं, फिर डाइट है वो उसकी फिलिंग करती है, रिपेयर करती है। लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए रिलैक्स चाहिए होता है बॉडी को। जब आप सोते हैं तो बॉडी 2 काम करेगी। अगर रात को आप हैवी कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं कि भाई रात को हैवी नहीं खाना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें, उसका लॉजिक साइंस पता है क्या है? हमारे अंदर एक प्राणवायु होती है। जब हम रात को हैवी डाइट ले लेते हैं ना, तो हमारी मशीन प्राणवायु रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जगह डाइट को पचाने में लगाती है। तो अपनी मशीन को 2 काम दो, या तो वो खाना पचाएगी या वो आपके ब्रेक जो टिश्यू ब्रेक हो चुके हैं उनको रिपेयर करेगी। तो राइट तरीका क्या है? रात को अगर आप हल्का भोजन लेते हैं तो आपके मसल टिश्यू रिपेयर होते हैं, आपका जो साइकिल है बहुत प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हो जाता है। मतलब जो रात का टाइम है उसमें जो हमारी रिपेयरिंग की मशीनरी है, जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलाती है सारी की सारी, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसको पता है अब इस टाइम पर ही ग्रोथ करनी है, इसी टाइम पर ही सारे हीलिंग का प्रोसेस चलाना है, इस टाइम पर लिवर को रिपेयर करना है। तो वो अवेलेबल ही नहीं हो पाती, क्योंकि उसका सबसे पहला काम है कि उसने डाइजेशन करना है। तो जो लोग इतना हैवी रात को खा लेते हैं वो लाइफ में वही डिजीज़ की तरफ जाते हैं, मोटापे की तरफ जाते हैं, बड़ी सारी दिक्कतों की तरफ जाते हैं, और नींद भी अच्छी नहीं आती है। नींद भी नहीं आती, आपका पेट भरा हो आप लेटेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी ठीक से। तो अच्छी नींद के लिए अगर आपने टाइम से डाइट ले ली, यानी कहते हैं सूर्य अस्त से पहले अगर आपने खा लिया, वो भी हल्का खाना अगर आपने खाया, तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो मतलब आजकल का जो कल्चर है उसके हिसाब से सूर्यास्त से पहले लेना डाइट बहुत ज़्यादा सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो लाइट डाइट आप ले सकते हैं, रात को आप खिचड़ी ले लें, दलिया ले लें, पोहा ले लें हल्का सा, और कोशिश ये करें कि सोने से कम से कम 2-2.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले कम से कम, 1-1.5 घंटा तो कम से कम कम से कम है। तो ये तरीका कि वो सही से मेटाबोलाइज हो सके। बिल्कुल। तो एक तो बहुत बड़ा रोल हो गया डाइट का, कि डाइट में आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फाइबर चाहिए, कितने कार्ब्स कम करना है, ये पता होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, हमको हल्का फुल्का वर्कआउट भी जरूर करना है। वर्कआउट करेंगे तो सोने पे सुहागा, कहते आपने अच्छे से डाइट कर रहे हैं, उसमें वर्कआउट का तड़का और लगा देंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा अचीव होगा। क्योंकि देखो मैंने देखा, आपने देखा होगा कई बार बहुत लोग वेट लॉस करते हैं तो पता कैसे हो जाते हैं, ये संतरा है इसको यूं नहीं छोड़ दो, स्क्वीज कर दो बिल्कुल, और ऐसा उनका वेट लॉस होने के बाद हाल हो जाता है। हाँ, मैंने देखा गालें पिचक जाएंगी, गाल पिचक गए, लूज हो जाएगी, खान लटक गई, स्ट्रेच मार्क्स आ गए, सारी बॉडी फटी पड़ी है, शर्ट उतार के दिखा नहीं सकते किसी को, और नीचे थैला लटका हुआ है। वो जब जैसे हम शर्ट अंदर करते नहीं, बिलीव मी आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए जिन लोगों ने बहुत फास्ट फैट लॉस किया है, वो क्या करते हैं, अपनी स्किन को यूं अंदर करते हैं पैंट के अंदर,
सोचो कितनी दुर्गति की आपके शरीर पर मास के लोथड़े लटक रहे हैं, क्योंकि सही से क्योंकि आपने सही स्टेप फॉलो नहीं किया। आप मैं मेरा फोटो आप देख लीजिएगा, फोटो में कई बार लोग कहते हैं एडिटेड है, तो रॉ फोटो मैं आपको देता हूँ, रॉ फुटेज जो वॉशरूम में खींची हुई है खुद के मोबाइल फोन से, तो आप देखेंगे मेरी स्किन एकदम, आपको एक सिंगल स्ट्रेच मार्क नहीं मिलेगा। क्या रीजन है सर? राइट न्यूट्रिशनल वैल्यू आप बॉडी को क्या देते हैं, मल्टीविटामिन किस तरह से लेते हैं, आपके मिनरल्स किस तरह के हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इन सब का बैलेंस करना होता है। और सब अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज से लेते हैं, आप देखिए जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे फ्रूट्स पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी, तो लगभग मैं 3-4 संतरे और 2 सेब अभी हैं, शायद वीडियो खत्म होते हो शायद ये भी ना बचे। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चाहे वो सॉटे करके खाएं, चाहे वो स्टीम करके खाएं, चाहे कैसे, जैसे आपको हल्का टेस्ट बनाना है वैसे बना सकते हैं। चटपटा खाना है तो काली मिर्च जो होती है ना, 4 काली मिर्च के दाने पीस के उसके ऊपर डालिए और खाइए। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 3 ऐसी चीजें बता दो जिसको तो हर कीमत पर अवॉइड करना ही है, मतलब फ्रूट कम खाओगे चलेगा, वेजिटेबल कम लोगे थोड़ा सा चल जाएगा, एक दिन ज्यादा वर्कआउट नहीं किया चल जाएगा, लेकिन ये 3 चीजें अगर रही। नंबर 1, जितने भी ये जंक फूड है ये आपको 100% छोड़ने ही, 100% का मतलब, 100% का मतलब पत्थर की लकीर, कोई चीट भी इसका नहीं, कुछ नहीं।, नहीं है कि भाई ठीक है पहले महीने में मैं 10 पिज्जा खाता था, अब मैं एक खा लूंगा तो चलेगा, एक भी नहीं। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको धीरे धीरे पहले आए, आप 10 से 6 सिगरेट भी छोड़ दिए ना, तो ये नहीं कहा कि कल से कट, नहीं, 5 पीते थे अब 2 पियेंगे, फिर 1, फिर हफ्ते में कभी कभार, अब जब जब कभी मन किया। तो आप सबसे पहले जंक फूड को तो बिल्कुल अवॉइड करें, और जो कोल्ड ड्रिंक्स है इनको अपने लाइफस्टाइल से, जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स, जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स हैं सब छोड़ दें, चाहे फिजी हो चाहे ना हो चाहे फ्रूटी, कुछ कुछ भी, ठीक है ना। अगर आपको फ्रीजी कुछ पीने का मन है ना, तो जो सोडा वाटर है उसमें लेमन, उसमें शहद, उसमें डालें, आपको वही टेस्ट आएगा जो आपको उस तरह के ड्रिंक्स में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोडा पीना शुरू कर देंगे, कार्बोनेटेड वाटर है आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या हुई हमारी, जंक फूड। दूसरा हुआ कि जितनी शुगरी ड्रिंक्स हैं, तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? तीसरा सर, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो जो शुगर से बनी हुई मिठाई है ना, जितनी भी उनको अवॉइड कीजिए, मतलब जिसमें रिफाइंड शुगर, जिसमें रिफाइंड शुगर आता है। इसके अलावा गुड़ आप ले सकते हैं, कच्ची गुड़ के अलावा एक वो आती है जैगरीज, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग शहरों में अलग अलग खांड आती है, वो आप ले सकते हैं, है ना। हेल्दी और ज्यादा एक्सपेंसिव ऑल्टरनेट की तरफ जाना चाहे तो स्टीविया आजकल काफी, बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये चीज भी लें, वो भी एक लिमिटेड मात्रा में। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और मिला है तो वो ज्यादा ले लें, ज्यादा ले लें, ज्यादा लेने से भी शरीर खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा फ्रूट खा लेंगे तो ठीक रहेगा, उतना ही खाएंगे जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो ये चीजें छोड़ें। साथ में आप अगर ड्रिंक करते हैं तो समझ लीजिए आप वही काम कर रहे हैं कि रेत का घर बनाते हैं 4 मंजिल, और फिर उसके ऊपर कूद जाते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं, फिर कूद जाते हैं। तो ड्रिंक तो आपको अपनी लाइफस्टाइल से हटाना ही पड़ेगा हर कंडीशन। टी कॉफी ये आपको अवॉइड करनी है, टी, ब्लैक टी आप लें, आधा लेमन डालें, ज्यादा मीठा लेने का मन पड़ रहा है 1 चम्मच उसमें शहद डाल दें। अच्छा, ब्लैक कॉफी पिए, बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन 1 या 2 बार। ऐसा नहीं है कि अब ब्लैक कॉफी चल रही है, वो शेकर ही बना लिया ब्लैक कॉफी का, क्या चल रहा है ब्लैक कॉफी। तो वो ये सारी चीजें हैं, किसी भी चीज की अति ना करें, किसी भी चीज की कमी ना करें। एक मुझे लगता है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, अगर हम फैट लॉस करना चाहते हैं। नहीं, फैट लॉस, प्रोटीन का रोल फैट लॉस के लिए नहीं है। प्रोटीन का जो रोल है वो मसल को रिटेन रखने के लिए और मसल बिल्ड करने के लिए। और प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, जैसे पनीर है अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, टोफू है, उसके अलावा सोया चंक्स है, इसके अलावा जो मूंग चना होता है, चना हो गया सफेद मूंग वाला हो गया। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रोटीन का जो मेन सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट से आता है। नॉन वेज थोड़ा इजी है कि कम क्वांटिटी में ज्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आपको पनीर से भी मिल जाएगा, आपको पल्सेस से भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड। तो यानी कि प्रोटीन को डाइट में जरूर ऐड करना है, और वो भी अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज देखेंगे तो काफी मिल जाएंगे, कहने का मतलब ये। गुड, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था कि जो चना है जी, वो भी एक बहुत अच्छा हाई प्रोटीन डाइट है। वो कहते हैं चना घोड़े को खिलाते हैं ताकि वो रेस जीत जाए, रेस जीत जाए। तो जब घोड़ा जैसा एक जानवर चना खा के रेस जीत सकता है तो इंसान तो क्या बन सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब लास्ट में एक जो सबसे जरूरी चीज आती है ना जी, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि ये सब हमने सुन लिया अभी। कल हम एक इवेंट में थे, यहाँ राजकोट में आए हुए हैं गुजरात में, तो एक इवेंट में थे, तो अमित सर स्टेज पे थे, तो स्टेज पर ये सबको बता रहे थे। कुछ लोगों को इन्होंने बुलाया, उनसे पूछा, अगर वो फुटेज मिलेगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। उन सबसे पूछा कि भैया वेट लॉस के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो सब ने बताया योगा करना चाहिए, ये करना चाहिए। जो चाहिए है वो सबको पता है, लेकिन वो कर नहीं पाते,
एक ऐसी चीज बताओ कि जिससे वो मोटिवेट हो जाए कि वो कर सके, कि जिससे ये जो कन्वर्जन है ना, ये रेट निकल पाए, बढ़िया हो जाए। हर व्यक्ति का ना एक ट्रिगर पॉइंट होता है। अच्छा, है ना? आपको याद है जब हम छोटे थे, स्कूल कॉलेज टाइम पे थे, तो क्लास का एक ऐसा लड़का था, देखो देखते ही गुस्सा होता था, दांतें भी जाती थी। पता नहीं यार, राजेश को देखते ना मेरा मन करता पकड़ के दो घूसे में। मेरी क्लास में राजेश नाम का लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन वो देखते ही मेरे दांत भिज जाते थे। तो स्पीकर्स में भी कुछ ऐसे देखते दांत भिज जाते थे। ये हम ये काट देना है इसमें से, कि भाई स्पीकर्स भी है, देखते दांत भिज जाते हैं। अच्छा, हमें ही नहीं भिज जाते, सबके ही भिज जाते हैं। अच्छा, अरे ये आ गया। तो क्या है कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है? मेरा ट्रिगर पॉइंट पता है क्या है? कि जो काम मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल लगता है, वो मैं गा डालता हूँ सबके सामने। अच्छा, ये मेरा तरीका, अनाउंस कर दिया, अनाउंस कर दिया। और सबसे मेरे जो सबसे प्रिय है वो मेरे फॉलोअर्स हैं। मैं बताता हूँ, मैं करने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैंने समझ लो कि एक जिम्मेदारी का टोकरा अपने सर पे ले लिया। वही लोग जो इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, वो 90 दिन बाद लिखना शुरू करेंगे, क्या हुआ महेश बारी जी ट्रांसफॉर्मेशन का, आप तो कुछ नहीं कर पाए। तो सबका ट्रिगर अलग है, ये मेरा ट्रिगर है। I'm really sorry, I'm interrupting you in between. जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप कितने दिन के अंदर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, और क्या आप आज से शुरू करने वाले हो कि नहीं, ये पूरी दुनिया को बताओ। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक कमेंट पढ़ना, और जिनको 10-15-20 दिन हो जाए, उनके कमेंट पे रिप्लाई करके पूछना कि भैया क्या चल रहा है ना। अभी कुछ लोगों का ट्रिगर क्या होता है, वो कहते हैं कि यार उनका सबसे प्रिय कौन है। जैसे हमारे एक रिलेटिव है, उनकी एक आदत है, बेटे तेरी कसम, बेटे तेरी कसम, मैंने एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया तेरे से। उतना ही लिया जितना मुझे लेना चाहिए, और मैं लेता हूँ प्रॉफिट। मन की बात। तो कई लोगों का ट्रिगर क्या है? कसम। जैसे आपका सबसे प्रिय है, आपके माँ, आपके पिता, आपकी बहन, आपका भाई, जिसको आपको लगता है कि ये प्रिय है, इसकी कसम मैं नहीं खा सकता, तो खा लीजिए कसम। जब आपको लगता है मैं ऐसी कसम खाऊंगा और तोड़ूंगा नहीं, तो फिर तो समझ लीजिए एक जिम्मेदारी आपने ली। दूसरा ट्रिगर पॉइंट ये हुआ, तो 21 दिन का एक चैलेंज लेके उनकी कसम खा के और हाँ शुरू कर दो। अब विश्वास रखे कि नहीं, ये कसम कभी नहीं तोड़ूंगा। होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जिंदगी में, हाँ, ये सब कुछ, घर बार पैसा सब छोड़ सकता हूँ, पर इस व्यक्ति की कसम नहीं तोड़ सकता। अच्छा, दूसरा और सिद्धांत है, कुछ लोग गंगा जल ही लेते हैं, मैं ईश्वर को साक्षी मान के कसम देते, विवाह करते हैं ना, साथ साथ सात फेरे लेते हैं हम, तो अग्नि की कसम खाते हैं और बहुत सारे नियम करते हैं। तो आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, ये आप देखो ना, मैं कैसे बता दूं? मेरा ट्रिगर पॉइंट तो मैंने बता दिया, आप लोग हैं मेरा ट्रिगर पॉइंट। तो देख लीजिए मेरा मॉन्स्टर मोड उठा के, मसल बिल्डिंग प्रोग्राम 90 डेज, इससे पिछला देख लीजिए मॉन्क मोड 111 डेज फिटनेस चैलेंज, जिसमें बिल्कुल लीन हो गया मैं, 76 किलो से 67 किलो पर मैं आ गया, फिर 67 किलो से 72 किलो अभी सिर्फ 36 दिन के अंदर, और सिर्फ 90 दिन के अंदर मैं इस बॉडी को और मस्कुलर लेके जाऊंगा, फिर एडवांस मॉन्स्टर मोड करेंगे। तो मेरा ट्रिगर मैंने बता दिया, मेरा ट्रिगर है मेरे ऑडियंस, मैं सीधा उनसे बोलता हूँ ये करने जा रहा हूँ, और ना करूँ तो ऐसी तैसी कर देना, मेरी लिखना शुरू कर देना। और सबसे बुरा लगता है बैड कमेंट्स। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई उसको देखना है कि उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, जो उसको मोटिवेट कर सकता है। क्या बात है, शानदार। तो अगर इसका हम एक क्रक्स निकालें इस वीडियो का, इतनी ब्यूटीफुल जो डिस्कशन हुई कि इतनी अच्छी सेहत आपको अगर पानी है, अगर आपको अपनी एज को रिवर्स करना है, अगर यूथफुलनेस की तरफ बढ़ना है, एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए है, जो कि बढ़ती एज के साथ लोगों की कम होती है, वो देखो कि यहाँ बढ़ रही है, अगर ये सब कुछ चाहिए, तो इन्होंने 3-4 चीज़ों में उसका क्रक्स हमें दिया है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना ही होगा। कंट्रोल भी नहीं, सही वर्ड है कि मैनेज करना होगा, कि कितना प्रोटीन, कितना फाइबर, कितना फैट, और ये सब कुछ का एक बैलेंस अगर हो सके तो किसी अच्छे डाइटिशियन से आप अपना डाइट चार्ट ज़रूर बनवाइए। दूसरी चीज़ कि आपको हल्का फुल्का वर्कआउट अगर आप ऐड करते हैं, तो वो सोने पे सुहागे का काम कर देता है। यानी आप डाइट कंट्रोल करके, मैनेज करके एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा आपने कार्डियो शुरू कर, हल्का फुल्का सा, इसका ये मतलब नहीं है कि जिम ही जाना जरूरी है, अगर आप अपना बॉडी वेट भी खुद से उठाने लग गए, यानी आपने पुशअप्स लगा लिए, आपने प्लैंक्स कर लिए, बिल्कुल बिल्कुल, इससे भी शुरू कर सकते हैं। नहीं तो कई लोगों को लगता है जिम जाऊंगा, बार ऐसी जगह होते हैं जहां वर्कआउट के लिए कोई स्पेस ही नहीं, तो बॉडी वेट, बॉडी वेट वर्कआउट करते हैं, 100 सपाटे भी लगा दिए ना, तो पता लग जाता है, 5 सपाटे लगा पाता था मैं 5 बार में, एक सपाटा एक बार में। अब मैं 100 सपाटे लगा सकता हूँ, लगाता हूँ 25-25 के 4 सेट। अभी एक क्रिएटर समिट हुआ था दिल्ली में, तो उस क्रिएटर समिट में स्पीकर्स वगैरह मैं भी था उसकी उस टीम में। तो बाद में ना इन्फ्लुएंसर्स में से कुछ लोग ऐसे थे जो बॉडी बिल्डर टाइप के थे, तो उनसे कहा कि एक बार स्टेज पे आ जाओ, जो 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 फिटनेस फ्रीक है, काफ़ी सारे लोग फिटनेस फ्रीक जिम वहाँ पर आए स्टेज पर। तो भाई जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने हुटिंग कर दी, महेश्वरी सर, महेश्वरी सर, महेश्वरी। मैं कहा मैं फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ, मैंने अपने लिए किया है, मेरा कोई इसमें इन्फ्लुएंसिंग का काम नहीं है।
फिर भी स्टेज पे चले गए। तो एक लड़का था, बड़ा हैंडसम था, हाइट भी अच्छी 6 फुट 2 इंच होगी, वो बड़ा मस्कुलर, बड़ा मतलब बहुत स्टाइलिश था वो। तो बोला कि सर आप तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री में मेरा कोई लेना देना नहीं है। बोला कि फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हाय आई एम दिस और मैं 5 टाइम मैराथन रनर रहा हूँ। एक ने दिया इंट्रोडक्शन कि मैंने 14 किलोमीटर माता वैष्णो की चढ़ाई अपनी इतने साल में इतनी बार की हुई है। मैंने कहा जी मेरा फिटनेस से कोई लेना देना नहीं, मैंने अपने लिए किया जो कुछ किया है। पुशअप कॉम्पिटिशन हुआ, स्टार्ट हुए धीरे धीरे, 25 पर सबसे पहले वो आउट हुआ जो बॉडी बिल्डर था, फिर 30 पर कुछ और कम हुए, 40 पर कुछ और कम हुए, 50 पर कुछ और कम हुए, 70 आते आते सिर्फ 4 लोग रह गए, 90 आते आते सिर्फ 2 लोग रह गए, 91 आते आते मैं अकेला रह गया। क्या बात है। तो फिर ये एक बहुत बड़ा, मेरा YouTube वीडियो डला हुआ है उसके ऊपर कि भाई, और मैंने पूछा भाई ये तो 91 हो गए, अगर और कोई है तो मैं 100 भी कर लूंगा। मैं 100 कर नहीं पाता, लेकिन वो एक चैलेंज की बात हो जाती है ना, तो आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो निकल, वो भी निकल के रिजर्वायर निकल आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये यूथफुलनेस, ये विगर, ये वाइटैलिटी, ये एनर्जी अगर आपको भी चाहिए तो इन सभी टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए। कमेंट करना मत भूलना कि कौन सा चैलेंज आप लेने वाले हो, पूछ लेंगे आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, वो भी लिख के बताओ, वो भी लिख के बताना ताकि बाकी लोगों को भी उससे इंस्पिरेशन मिल सके। थैंक यू बड़ी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और ऑडियंस को इतना अच्छा इनसाइट देने के लिए, जो वाकई में ही एक ट्रू इनसाइट है, मैं कहता हूं, जो आपसे सुनने को मिला। थैंक यू सो मच, गॉड थैंक्स टू यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर, थैंक यू सो मच। और अगर ऐसा यू नो आपको लगा कि वाकई आपकी लाइफ में सब कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, तो एक और बहुत बढ़िया सा सेशन करेंगे जिसमें कि हम एक डिटेल में यू नो आपके साथ वो सब डाइट प्लान और वो सब चीजें कैसे हम कर सकते हैं, पूरा शेड्यूल कैसे करते हैं वो शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, सेहत पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि सेहत से अच्छा दोस्त कोई नहीं है और इससे बड़ी दौलत भी कोई नहीं।